दो आयामी आकृतियों, टू डायमेंशनल शेप्स को पहचानने के उदाहरण। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सीखा दो आयामी आकृतियों, टू डायमेंशनल शेप्स को पहचानना। इस वीडियो में हम देखेंगे दो आयामी आकृतियों, टू डायमेंशनल शेप्स को पहचानने के उदाहरण। आज छोटू और पिंकी पार्क में मिट्टी में खेल रहे हैं। पिंकी, ये देखो, मैंने मिट्टी में ये घर बनाया है। अरे वाह छोटू, यह घर तो अलग अलग आकृतियों से बना है। ये है तीन रेखाओं से बनी आकृति और ये है चार रेखाओं से बनी आकृति। हाँ पिंकी, तुम्हें याद है कि कल मैडम ने हमें क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि तीन रेखाओं से बनी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं और चार रेखाओं से बनी हुई आकृति को आयत कहते हैं। तुम दिखाओ तुमने क्या बनाया है। छोटू, मैंने तो अब तक बस सूरज ही बनाया है। अब मैं भी तुम्हारी जैसा एक घर बनाऊंगी। पिंकी, सूरज के लिए तुमने गोल आकृति बनाई है, इसका मतलब ये वृत्त है ना? हाँ छोटू, कल मैडम ने बताया था कि ऐसी गोल आकृतियों को हम वृत्त कहते हैं। बच्चों, देखा आपने कि छोटू और पिंकी कैसे मिट्टी में अलग अलग आकृतियाँ बनाकर खेल रहे हैं? कुछ देर के बाद वे अलग अलग तरह के त्रिभुज, वर्ग, आयत और वृत्त बनाने लगे, जैसे कि ये। बच्चों, क्या आपको पता है कि ये कौन सी आकृति है? जी हाँ, ये है त्रिभुज, क्योंकि यह तीन रेखाओं से बनी हुई आकृति है। और ये है वर्ग, क्योंकि ये चार बराबर रेखाओं से बनी हुई आकृति है। और ये है आयत। यह खेल खेलने के बाद छोटू और पिंकी अपना स्कूल का होमवर्क करने चले गए। आइए देखें कि वे क्या कर रहे हैं। छोटू और पिंकी को एक चित्र दिया गया है जो अलग अलग आकृतियों से बना है और उन्हें उस चित्र में आकृतियों को पहचानकर उनमें अलग अलग रंग भरने हैं, जैसे कि वृत्त में पीला रंग, आयत में नीला रंग, वर्ग में लाल रंग और त्रिभुज में हरा रंग। बच्चों, अब इस चित्र में जितने भी वृत्त हैं, उन सभी में पीला रंग भरना है। क्या आप इस चित्र में वृत्त को पहचान सकते हैं? जी हाँ, ये है वृत्त, इसमें भरा जाएगा पीला रंग। अब सभी आयत में भरना है नीला रंग। क्या आप इस चित्र में आयत को पहचान सकते हैं? ये रही आयत, तो इनमें हम भरेंगे नीला रंग। इसके बाद वर्ग में भरना है लाल रंग, तो क्या आप इस चित्र में वर्ग को पहचान सकते हैं? ये रहे वर्ग, तो इनमें हम भर लेते हैं लाल रंग। अब हम आते हैं त्रिभुज पर। त्रिभुज में हमें भरना है हरा रंग। भर गया पूरे चित्र में रंग। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने देखे दो आयामी आकृतियों, टू डायमेंशनल शेप्स को पहचानने के उदाहरण। अगली वीडियो में हम जानेंगे दो आयामी आकृतियों, टू डायमेंशनल शेप्स को पहचानने में होने वाली सामान्य गलतियों के बारे में जो नहीं करनी चाहिए। तब तक के लिए बाय बच्चों।